अयोध्या में नामांकन के दूसरे दिन गठबंधन के प्रत्याशी आनंद सेन यादव ने भी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया। आनंद सेन यादव ने दो सीटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। सपा कार्यालय गुलाबबाड़ी से निकला नामांकन जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। तीनों पार्टियों के हजारों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव, मायावती, चौधरी अजीत सिंह के एक साथ नारे लगाए। नामांकन जुलूस में बसपा, सपा व राष्ट्रीय लोकदल तीनों पार्टियों का झंडा एक साथ लहराया। प्रत्याशी आनंद सेन यादव ने दावा किया कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से है ही नहीं, उनकी लड़ाई भाजपा से है। इस लड़ाई में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर वे मैदान में हैं। आनंद सिंह यादव पूर्व में बसपा के मंत्री भी रह चुके हैं और उन पर दलित छात्रा के अपहरण और हत्या के मामले में सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र पर गठबंधन प्रत्याशी ही परचम लहराएगा। इस दौरान तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। चार सीट में हमको पर्चा दाखिल किया करना है, दो हमने दाखिल कर दिया है, दो अभी दाखिल कर रहे हैं। कौन कौन है और क्या है मुद्दा? हमारे सारे विधायक, माननीय पूर्व मंत्री, विधायक, सारे लोग हैं। माननीय राममूर्ति वर्मा जी प्रभारी हैं, लीलावती कुशवाहा जी हैं, तेज नारायण पांडे जी हैं, आदरणीय रुद्री साहब हैं, आदरणीय उदय प्रसाद जी हैं, सारे सम्मानित लोग हैं यहाँ पर, और माननीय अभय सिंह जी भी हैं। सभी हमारे माननीय विधायक हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे गठबंधन के साथी हैं, पवन कुमार गौतम जी हैं, दूसरे साथी हमारे ओम प्रकाश वर्मा जी हैं और जिला अध्यक्ष हमारे महेंद्र प्रताप जी हैं, जी कृष्णा पाल जी जोनल कोऑर्डिनेटर साहब हैं, सारे लोग आज एकजुट हैं। राम और सिद्धू मिश्रा जी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और हमारे साथी भाई जिला अध्यक्ष राम सिंह पटेल जी हैं, सारे साथी हमारे साथ। क्या मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा आपके सामने है, जो जन आक्रोश दिखाई पड़ा है, ये जन आक्रोश ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब समस्या है गांव में, लोगों को तकलीफ है, चाहे जीएसटी के नाम पर हो, चाहे आवारा पशु के नाम पर हो, चाहे देश में बेरोजगारी के सवाल को हो लेकर के हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के छात्रों की शिक्षा को लेकर के हो, जितने भी मुद्दे हैं सारे मुद्दों को लेकर के अपनी लड़ाई कैसे मानते हैं? हमारी लड़ाई किसी से है नहीं, सीधे भारतीय जनता पार्टी से बन रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।